नमस्कार, यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वे लोग, आप लोग नहीं, वे लोग, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके जो बड़े भाई हैं, जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले कोरोना में वैसे ही फ्री फोकट का पास हो गए, उनके लिए आज इसके अंदर बहुत बड़ी न्यूज अपडेट हुई है। मैं आपको बताता हूँ। अब ये मत सोचना मेरे लिए है, नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा। ये आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़े मतलब पड़ोसी, आपका कोई भी हो सकता है जो 2 साल पहले कोरोना में पास हुआ। बेटा तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लिखा है, पहली बार बोर्ड परीक्षा देंगे प्रमोट छात्र। तो ध्यान से सुनो क्या है पूरा मामला, मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है। ये चल रहा है कि बोर्ड परीक्षा जो दे चुके हैं छात्र, क्या वे इस बार जो दे चुके हैं कोरोना काल में, जो फ्री फोकट का 80-85% ला चुके हैं, या जो उस वक्त मेधावी छात्र थे, तेज छात्र थे, पढ़ने में ब्रिलियंट थे, खूब तैयारी किए थे, लेकिन किसी कारण से उनको कम नंबर दे दिया गया, 62% 65% पा गए, जो गधे नलायक बेवकूफ निकम्मा घूमने वाले छात्र थे, वे 82 से लेकर 92% पा गए। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि जो छात्र प्रमोट हो चुके हैं, अब उनको इस बार 2023 में फिर से बोर्ड परीक्षा देना पड़ेगा। बात को पूरा समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि कंफ्यूज करके रख दिया, नहीं तो आप कहेंगे कि फेक वीडियो डालता है, नहीं तो आप मेरा सम्मान कम कर देंगे, नहीं तो आप गुमराह होते ही रह जाएंगे पूरा इंटरनेट पर। तो आज आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या पता चलने वाला है, और आपको क्या करना अपने बड़े भाई बहन, रिश्तेदार सबके लिए, पड़ोसी के लिए, या छोटे ही भाई बहन अगर आपके 12वीं पास किए हों 2 साल पहले कोरोना काल में, तो उनके लिए ये मैसेज, आप इस वीडियो को शेयर करना। मैं आपसे कभी कहता हूँ शेयर करने के लिए, एक एक साल बीत जाता है, नहीं कहता हूँ कि शेयर करना, लाइक करने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन शेयर करने के लिए मैंने आज तक नहीं कहा है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी के माइंड को रीसेट करने का सवाल है, मतलब अगर वो सेट हो गया कहीं गलत अफवाह में, तो उसको आप रीसेट कर सकते हो इस वीडियो को भेज करके। क्या है मामला मैं बताऊंगा, पूरा अखबार पढ़ दूंगा, और आपको pdfmandi.com पर इस अखबार का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, गूगल में सर्च करके देख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ है इसके अंदर, कंप्लीट वीडियो देखना बाबू, नहीं तो कहोगे गुरुजी अच्छा नहीं बताते आप। देखो लिखा है कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी वर्ष 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और, इस बार होने वाली परीक्षा में खास बात यह होगी कि 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। यह वही विद्यार्थी हैं जो कोरोना काल के दौरान हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने वाले थे, लेकिन परीक्षा न होने से प्रमोट हो गए और अगली कक्षा में पहुँच गए। वाह भाई वाह, सुनिए बात को समझिए, अखबार में जो बातें लिखी हैं छात्रों को भ्रम में फैलाने से बचाने के लिए, अखबार में स्पष्ट लिखा गया है, वही स्पष्टीकरण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अभी आप समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ और क्या आपको पता चलने वाला है। सुनिए सबसे पहले कि ये अफवाह है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या बच्चों में चल रहा है कि जो लोग कोरोना काल में 10वीं 12वीं में फ्री फोकट का पास हो गए, तेज छात्रों को गधा बना दिया गया, मतलब उनको कम नंबर मिल गया और कमजोर छात्रों को ज़्यादा नंबर मिल गया, ऐसी भी शिकायतें आई थी। तो इन्हीं शिकायतों का निस्तारण करने के लिए सरकार ने नियम अप्लाई कर दिया इस बार कि जो लोग कोरोना काल में फ्री फंड में पास हुए थे, उनको इस बार 2023 में परीक्षा देना है। इस बार अगर वे पास होते हैं तो उनका रिजल्ट वैलिड होगा, और अगर इस बार नहीं पास होते हैं तो रिजल्ट उनका फेल माना जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अखबार में तो बातें बहुत लिखी हैं, पूरी बातें बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाएगा, मैं इसका निचोड़ निकाल चुका हूं, आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, वीडियो शेयर करना, ताकि आपका बड़ा भाई बड़ी बहन गुमराह होने से बच सके। करना क्या है, शेयर तो करना, मैंने कहा काम बता दिया आपको। अब सुनिए, आप भी जानिए, आपके बड़े भाई भी जानेंगे कि यूपी बोर्ड ने इस बार ये नियम लाया है कि जो छात्र 2019-20 या कि जो भी समझ लो, यानी जो छात्र कोरोना काल में प्रमोट हो गए और प्रमोट होने के बाद जो उनको नंबर मिला, मार्क मिला, अगर वे उससे असंतुष्ट हैं तो वे उसको ठीक करने के लिए इस बार 2023 में फिर से एग्जाम दे सकते हैं। बात को समझिएगा बेटा, जो लोग कोरोना काल में फ्री फोकट का पास हुए और उनको संतोषजनक नंबर नहीं था, वे 2023 में फिर से दे सकते हैं।
दूसरी बात ये भी लिखा है कि जो लोग बोर्ड परीक्षा कैसा होता है सपना देखे थे, बहुत अच्छा, बहुत मतलब किस तरह का होता है, उनको एहसास नहीं हुआ। कोरोना काल में 10th में थे, पास हो गए, अब ये 12th में आए हैं। जब 12th में आए हैं तो 12th उनके सामने क्या है, पहली बार बोर्ड परीक्षा है, क्योंकि 10th में तो बोर्ड दिया ही नहीं, तो बोर्ड का उनको स्वाद मिला ही नहीं, बोर्ड का एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। तो वे अब 2023 में जब बोर्ड परीक्षा देंगे तो वो बोर्ड परीक्षा का पहला अनुभव करेंगे। मतलब होता है ना कि दो बार बोर्ड परीक्षा 10वीं बार में होता है, 10वीं में तुम्हें मिला नहीं मौका, तुम वैसे ही आगे आप बढ़ गए, तो तुम्हें 12वीं मौका मिला। तो अखबार में ये बात लिखी बेटा, समझिए बात को, समझे ना, पूरा मैं बता देता हूँ। जनपद में पहली बार इंटर की बोर्ड परीक्षा देने वाले इन छात्र छात्राओं की संख्या करीब 75,000 है। ये सभी छात्र परीक्षा देने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। इनमें बहुत से विद्यार्थी ने हाई स्कूल में टॉपर बनने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हो पाया था, अब वह सपना इंटर में पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने जो आपको बताया आप इस पर भरोसा कीजिए और यकीन कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने भैया को, अपने दीदी को शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो लोग कोरोना काल में पास हो गए, जो पा गए, जो मिल गया उसमें वो खुश रहें, दोबारा किसी तरह का एग्जाम एग्जाम देने के लिए कोई टेंशन ना लें, आराम से ज़िंदगी जीए और आगे बढ़िए। जिनकी बारी है वे परीक्षा देंगे, यानी जिनका इस साल एग्जाम है इंटर का, जिनका इस साल हाई स्कूल का एग्जाम है वे लोग देंगे। पहले जो पास हो गया वो हो गया, जाने दो, छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना। इंटरनेट पर कोई अगर गलत अफवाह फैला रहा है, बेकार की बात कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैंने आपको सही चीज़ें बता दिया है। और मुझे अखबार के माध्यम से जो चीज़ मिलता है इस पर ज़्यादा मैं भरोसा करता हूँ। किसी फालतू की वेबसाइट पर जाना, किसी की फालतू की वीडियो देखना, उस पर भरोसा करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ें सत्य हैं वो आपको मैं बताऊँ और आप सही सही चीज़ों को जानें। बस कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ आगे बताएंगे। थैंक यू।